मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि पूरे मुस्लिम वर्ग ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने उन पर मालेगांव विस्फोट प्रकरण का आरोप लगाया, उसके बाद से पूरे मुस्लिम वर्ग ने उन्हें एक तरह से अपना दुश्मन मान लिया है। उन्होंने कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है और बार बार हमारे पास धमकी भरे फोन आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको ध्यान होगा कि पत्र में हमें उन्होंने विस्फोटक सामग्री भी भेजी थी। इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस ने 15 फरवरी को भरतपुर से दो युवकों को गिरफ्तार किया था और उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा कि एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने हमें संदेश भेजा था जिसमें मोदी जी, अमित शाह, योगी और मेरी फोटो के सामने उन्होंने क्रॉस किया था, पिस्टल छापी गई थी और संकेत दिया था कि हम तुम्हें मार देंगे और पत्र भी भेजे गए थे, लेकिन उन सभी मामलों में उन्होंने कार्यवाही की है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गंदी फिल्म भेजी थी और समाज को शोषित करने का प्रयास किया था, मैंने उन सभी मामलों में भी शिकायत की थी। बता दें कि इसके पहले 7 फरवरी को बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के टीटी नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 6 फरवरी को करीब 7 बजे उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया गया जिसमें अनजान शख्स के द्वारा लिखा गया था कि मुझे आपसे बात करनी है। इसके बाद बीजेपी सांसद ने अपना जवाब देते हुए लिखा, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। कुछ देर बाद बीजेपी सांसद के पास उसी नंबर से वीडियो कॉल भी किया गया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ऐसे लोग डराने की कोशिश करते हैं और लोग डरते भी हैं, भयभीत होते हैं, उन्हें लगता है कि डर से काम नहीं चलने वाला, ऐसे लोगों का सामना करना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए और कानून के अनुसार उन्हें सजा दिलवानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कई देशों से भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। लगातार फोन आने के कारण उनका काम भी बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी शिकायत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।